हाय नमस्कार, मैं सीमा, स्वागत करती हूँ आप सबका मुंशारी के हसीन वादियों से। होप सो आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की ढेर ढेर शुभकामनाएं। आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो उसका आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, आज मुझे आप ऐसे लड़कों वाले गेटअप में देख रहे होंगे, तो आज मैं बनी हूँ जवाहरलाल नेहरू। तो मेरा लुक कुछ इस तरीके से है, और अभी हमारे गांव से जाने वाली है रैली, तो आपको हम रैली में मिलेंगे। और आज मौसम भी ठीक ठाक है, बादल वादल लगे हैं। कल रात को बहुत बारिश हुई थी, तो आज मौसम थोड़ा बेकार ही है। दिखाती हूँ मैं आपको पूरा लुक, क्या लुक आ रहा है मेरा जवाहरलाल नेहरू में, मैं कैसी लग रही हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं अपना लुक दिखाती हूँ आपको पूरा। ये है मेरा पूरा लुक, और मैं आज जवाहरलाल नेहरू बनी, बस जूता पहनना बाकी है, और मैंने टोपी वगैरह लगा लिया है, और ये कोट और पजामा जो भी है वो सब पहन लिया है। तो आज हमारा प्रोग्राम पूरा होने वाला है। मार्केट में रैली निकलेगी स्कूलों की भी, और हमारे गांव की भी निकलने वाली है। तो आज आप सीधा वहां मिलेंगे, अगर मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको सब दिखाने की। तो वहां पे सीधे मिल गया मेरे को शास्त्री चौक में, और वहीं से हमारी रैली निकलेगी। तो मिलते हैं आपको सीधे शास्त्री चौक में, और हमारे साथ शीला प्लीज आना। तो ये है शीला, और इसने व्हाइट कलर का सूट डाल रखा है। हेलो हेलो बोलो शीला। हेलो गाइस। और इसने व्हाइट कलर का सूट इसलिए डाला क्योंकि हमारा थीम है झंडे का, तो सारे औरतें ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की साड़ी पहने, और जो लड़कियां हैं वो व्हाइट कलर की सूट पहन ली। और मैं स्पेशली अकेले एक लड़का बनी हूँ, मतलब जवाहरलाल नेहरू बनी हूँ। तो अभी आप देखोगे ब्लॉग में पूरा क्या है सीन, तो बीच बीच में मैं ना बोल पाऊँ तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो गाइस, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। मम्मी का पूरा लुक ये है, ऑरेंज कलर की साड़ी और ब्लैक कलर का स्वेटर पहना है, क्योंकि बारिश हुई थी तो ठंड है बहुत इसलिए। और मम्मी लोग का आपको पता ही है, सोमवार भी है, तो मम्मी का फास्ट भी है। सुबह नहा चुकी थी मम्मी, सुबह नहा गई है मम्मी, तो फास्ट भी ठंडा भी लगा हुआ था, इसलिए मम्मी ने स्वेटर डाला है। और ये है पूरा लुक, मम्मी उधर उधर जाना। ये है मम्मी का पूरा लुक आज ऑरेंज कलर की। मम्मी हाय बोल दो। हेलो गाइज। तो ये है मम्मी का पूरा लुक, और मिलते हैं आपको, अभी दिखाते हैं भाभियाँ और कैसे बनी हैं, तो आपको सबको मिलाएंगे। सब आ चुके हैं, आधे लड़कियाँ मतलब औरतें तो नहीं आई हैं, लड़कियाँ आई हैं। तो मिलाती हूँ आप लड़कियों से, उनका गेटअप दिखाती हूँ आपको। सुबह हेलो करें। हेलो। और ये है नेहा, और इनका भी पूरा लुक देखो, ऐसा करना झंडा। हाँ, इनका भी ये है पूरा लुक, और इनका व्हाइट कलर का लुक है। और यहाँ पे निशु, और यहाँ पे मेगा मेगा, तो सब रेडी हो चुके हैं। गाइस यहाँ पे सब आ गए हैं, हेलो बोल दो सब लोग। 15 अगस्त की बधाई कराए सब पता। तो ये सारे गांव की लेडीज है हमारे, और यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे रैली के लिए मार्केट में। पीछे सारे गर्ल्स औरतें, हमारी भाभियाँ, दीदी, ये दयादी, दयादी हाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय जय 15 अगस्त। अभी हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी स्कूल में, यानी कि पंचायत घर में। तो सारे आ चुके हैं हमारे। तो ये रहा हमारा पंचायत घर और आंगनबाड़ी। निशु तेरे को रीना बोलो। और यहाँ पे हमारे नेताजी श्री दुर्गेश प्रसाद जी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं कैप वाले, और यहाँ पे पापा रुकी। हाँ, और यहाँ पे हमारा गांव का बैनर, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये है बिलजू कॉलोनी महिला मंगल दल। और दोस्तों, ये हैं हमारे नेताजी श्री दुर्गेश प्रसाद जी, और इन्हीं की ही कोशिश से आज पहली बार किसी गांव से रैली निकली है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। रैली निकलती है स्कूल के बच्चों की निकलती है, बट किसी गांव से आज तक कभी भी नहीं निकला है, तो ये पहली बार हुआ है। और इनका ये सोचना और हमारे बीच में अपनी अपनी इस बात को रखना हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हमने भी कहा कि हम भी करते हैं देश के लिए कुछ, और तो हमने भी रैली निकाली है, एक छोटी सी कोशिश की अपने देश के लिए। और दोस्तों, इसमें हम सब गांव वालों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
अभी निकलने लग गया हमारे रैली। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब हम बैठे थे घर। और गाइस अभी हम जा रहे हैं शास्त्री चौक में और वहीं पे हम सब स्कूल के बच्चों के इस पीछे पीछे जाएंगे अपनी रैली लेके। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे लोग रैली देखने के लिए आए हैं और बच्चों की रैली भी आ चुकी है। ये पब्लिक स्कूल की रैली है और यहाँ पे इनके टीचर्स हैं आगे पे खड़े हुए और ये फर्स्ट में ही पब्लिक स्कूल की रैली आ रही है, इसके बाद सब स्कूल के आएंगे। Thank you.
महिला भवन में और यहाँ पे सारी औरतें और गर्ल्स थकाई लग के हालत खराब हो चुकी है। हम भाई मंजू दी, हाय मंजू दी, शोभा, शीला, चन्नू दी और भाभी जी और दादी जी और यहाँ पे हमारे गांव के कितने लोग हैं। और यहाँ पे भाभी जी टीका बना रही है और अभी हम सब लोग झंडा रोहन के बाद टीका लगाएंगे। मेरा गला खराब हो चुका है, बहुत चिल्लाई में आज, और भाभी जी लोग भी थक चुके हैं, सबका मुंह लाल पिरपिर हो चुका है। एक तो व्रत भी है आज, सोमवार भी है, दोनों चीज साथ साथ हो गया है और झंडा रोहन भी हो चुका है हमारा। और यहाँ पे जिनका फास्ट है उनके लिए केला आया है और हमारे लिए जलेबी। शीतोली यहाँ पे व्रत वाले इतना भुगा के खाने लग गए केला। Yeah.
खावन आकल कर हाय कर शमशा 15 अगस्त तो बधाई बधाई आप जी रहे आज जग रहे आज जी रहे आज जग रहे आज जी रहे आप जी रहे भाई मैं सीढ़ी पर खुशा लग रहा खुशा पढ़ाई है चलो बढ़िया है आमी हमारा दीदी है सब महिलाओं को काजू बादाम स्वागत किया है बधाई मां साहब के मम्मी के लिए जोरदार से तालियां भाई सो गाइस फाइनली आ चुके हैं रैली से मेला भवन में गए थे झंडा रोशन किया तो आ चुके हैं हम घर पे थोड़ा डांस वगैरह भी किया था वहाँ और अब आ चुके हैं घर में और आज की ब्लॉगिंग को यहीं पेंट करते हैं और शाम वाली वीडियो तो मैं बाद में से शूट करूँगी क्योंकि आज प्रोग्राम भी है GIC मुनशारी में अगर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे तो आधे आधे पार्ट में देखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए भी तो मैं दिन का ब्लॉग दिन से शूट करूँगी तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में यानी कि कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आए अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों नए स्वीडियो में नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड और फिर से एक बार आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।